गोपालगंज के लोगों के लिए खुशखबरी है, अब गोपालगंज के लोगों को जल्द ही जाम से राहत मिल पाएगी। नगर परिषद ने जाम से गोपालगंज के निवासियों को राहत देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के मुताबिक शहर के जो भीड़ भाड़ वाले सड़क हैं उन पर डिवाइडर निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। इस डिवाइडरों के निर्माण से गोपालगंज के सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग लेन और वाहनों के लिए अलग लेन होगा, क्योंकि सड़कों के किनारे ठेले और खोमचे लगाने वाले अपनी दुकान लगाकर रोड के एक बड़े हिस्से का अतिक्रमण कर रहे हैं। डिवाइडर के निर्माण होने से वाहनों के परिचालन में सुविधा होगी, वाहन वाले एक लेन में चलेंगे तो पैदल चलने वाले एक लेन में, इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। गोपालगंज में कई जगहों पर ओवरब्रिज का निर्माण कर जाम की समस्या से निजात दिलाया जा चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर ओवरब्रिज अभी निर्माणाधीन है। गोपालगंज शहर का मौनिया चौक, पोस्ट ऑफिस चौक और अंबेडकर चौक पर हमेशा जाम की समस्या देखी जाती रही है, इसी के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।